शकुनी के पासों में था आत्मा का वास। महाभारत जैसा भीषण युद्ध आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इतिहासकारों ने तो इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा तक दी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस विनाशकारी युद्ध की साजिश कई वर्षों से चल रही थी? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि गांधारी के परिवार वालों ने ही अपनी बेटी के घर को बर्बाद करने की कसम खाई? आखिर क्यों गांधारी के भाई ने लिया था अपने ही बहन के परिवार से बदला? जानेंगे ये सब हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़े अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहे। कहते हैं कि गांधारी की जन्मपत्री में दो विवाह का योग था। ये दोष होने के कारण धृतराष्ट्र से विवाह के पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया था, जिसकी बाद में बलि चढ़ा दी गई। कुरु वंश में जब ये ज्ञात हुआ कि गांधारी का पहले ही विवाह हुआ था और जिससे विवाह हुआ था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इस बात को छिपाने के दंड में संपूर्ण राज परिवार को कुरु वंश ने कारावास में डाल दिया। कारावास में इन्हें बस एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, अर्थात उन्हें धीरे धीरे मारने का षड्यंत्र तैयार किया गया। किंतु राजा सुबल और सुधर्मा रानी ने अपने हिस्से का भोजन अपने बेटे शकुनी को दिया और वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधार नरेश सुबल अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह करते थे और शकुनी चौरस के कुशल खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर की अस्थियों से तुम पासे बना लेना, तुम जो भी कहोगे पासे उसका पूरा अनुकरण करेंगे। कहते हैं कि शकुनी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से पासों का निर्माण किया जिनमें उनके पिता की आत्मा रहती थी। कहीं कहीं इन पासों को हाथी के दांत का बताया जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि शकुनी मामा के पासे के अंदर एक भवरा रहता था जो हमेशा उनकी पैरों की ओर ही गिरता था, किंतु पिता की अस्थियों के पासों की बात अधिक सटीक लगती है। भारतीय तंत्र में ऐसा विधान है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर की कुछ विशेष अस्थियों को तंत्र विधि से सिद्धित करके अगर रखा जाए तो वह अस्थियां उस साधक की आदेश का अक्षरक्ष पालन करने लगती हैं। यही वजह है कि हिंदू संस्कृति में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियों के विसर्जन का विधान है। अपने परिवार की इस तरह की मृत्यु के पश्चात मात्र शकुनी ही जीवित बचे। उन्होंने हस्तिनापुर में ही रहने की स्वीकृति प्राप्त की और फिर सभी का विश्वास जीतने के बाद धीरे धीरे कुरु वंश के विनाश का षड्यंत्र रचा। पहले शकुनी मामा ने पांडवों को मारने के लिए बार बार कई षड्यंत्र रचे और जब वो सफल नहीं हुए तब उन्होंने धूर्त क्रीड़ा को आधार बनाया और युधिष्ठर को धूर्त क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। सभी जानते हैं कि इस खेल में जीत शकुनी मामा की हुई जो कौरवों की ओर से खेल रहे थे। पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दी क्योंकि जिन पासों से ये जुआ खेला गया था वो शकुनी के मृत पिता राजा सुबल की अस्थियों के थे जो शकुनी के आदेश का पालन करते थे। इस तरह शकुनी ने कुरु वंश को समाप्त करने की एक सोची समझी योजना बनाई जिससे सभी फंसते चले गए और महाभारत का भीषण युद्ध इतिहास में दर्ज हुआ। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।